नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। इस वीडियो में आप बहुत ही खास तीन खबरें सुनने जा रहे हैं। तीनों ही खबरें एक से बढ़कर एक और पूरी शानदार खबरें हैं। चलिए पहली खबर शुरू करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों ने जो गांव से हैं या बड़े बूढ़ों के साथ में बैठे होंगे तो उन्होंने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि माँ मरी अंधेरे में और धी का नाम रोशनी। ठीक है, तो जिन्होंने ये सुनी है पहले तो वो कमेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कहावत है ये किस पर फिट बैठती है? ये फिट बैठती है बांग्लादेश पर। बांग्लादेश की जो पहले यहाँ पे शेख हसीना हैं ये 5 अगस्त से भारत में रुकी हुई हैं। वहाँ के विदेश मंत्री ने क्या कहा है कि हम कोर्ट से ऑर्डर लेकर और अपनी सेना लेकर भारत के अंदर घुसेंगे और शेख हसीना को ज़बरदस्ती ले आएंगे और भारत कुछ नहीं कर पाएगा। इनकी औकात देखिएगा, कभी ये इस बात को करते हैं और कभी कई बार ये क्या करते हैं, पैकेज की मांग करते हैं। तो ऐसे में इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि चुटकियों का खेल है, चुटकियों का खेल है। वैसे भी भारत सरकार के कई अधिकारियों ने इन्हें कह दिया है कि पहले रोहिंग्या को वापस लेके जाओ, उसके बाद शेख हसीना आसानी से ले जाओ। चलिए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। पिछले 1.5 साल में 10 से ज़्यादा सैटेलाइट फ़ोटो खींची गई हैं चाइना के एयरबेस की, जो कि लद्दाख सीमा के पास में है। बिल्कुल ज्यों का तो है, आज तक 1 इंच भी कोई फाइटर जेट नहीं हिला। उनके पास जो साजो सामान पड़ा है वो ज्यों का तू पड़ा है। ऐसे में इंटेलिजेंस का कहना ये है कि ये जो यहाँ पे बेस बनाया गया है, ये जो एयरबेस है और इस पर ये जो फाइटर जेट की इमेज दिखाई गई है, ये सारे के सारे डमी हैं। ये असली फाइटर जेट नहीं है, ये डमी हैं। असली फाइटर जेट या तो कहीं और हो सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ चाइना डराने के लिए ऐसा कर रहा है कि सैटेलाइट से इमेज जाए और भारत खौफ में रहे कि यहाँ पर बहुत सारे फाइटर जेट उसके लिए तैयार खड़े हैं। खैर, चाइना है, दिमाग एक से एक लगाता है, लेकिन मैक्सिमम एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये जो फाइटर जेट हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे डमी हैं। पिछले 1.5 से 2 साल में 1 इंच भी नहीं हिले हैं और सारे की सारी चीज़ें इसमें जो कि तू वहीं की वहीं रखी हैं। खैर, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट्स करके बताइएगा। तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि भारत की जीडीपी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली जीडीपी बनी हुई है। जहां बाकी देश नीचे रिसेशन में जा रहे हैं, भारत बढ़ता ही जा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने अब से कुछ महीने पहले आंकड़ा दिया था कि भारत की जो जीडीपी है वो 6.6% के हिसाब से बढ़ेगी, लेकिन अभी एक दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है कि भारत की जो जीडीपी थी उसके लिए हमारे जो आंकड़े थे वो गलत होते साबित हो रहे हैं। भारत की जो जीडीपी है वो 7.1% के हिसाब से आगे बढ़ेगी। भारत की तेज़ी देख दुनिया आश्चर्यचकित है और भारत की तेज़ी देख इन्वेस्टर्स भारत की तरफ आकर्षित हैं। भारत में बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होने जा रहे हैं। खैर, आपको ये तीनों खबरें कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद जय भारत।